नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीखो और समझो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीरज शर्मा और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं इस Redmi Y1 फोन का अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी अभी छत्तीसगढ़ में यूट्यूब फैन कार्निवाल किया था, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, जिसमें टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी जी और अमरेश भारती जो कि महात्मा जी टेक्निकल से और गौरव गर्ग सर जो कि स्टडी आईक्यू से, उसके साथ साथ जो है हमारे चिंतामणि जयपुरी सर और उसके साथ जय विजय सचान, काफ़ी लोग आए थे। तो छत्तीसगढ़ के सारे यूट्यूबर्स भी थे और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था इंडोर स्टेडियम में रायपुर के, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा और हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इससे पहले कि ये मैं रिव्यू चालू करूँ, आपको इस फोन के बारे में बता देता हूँ, ये 7,999 रुपए का है और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और अनबॉक्सिंग अभी हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi का Y1 Lite और ये देखिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको हमने ओपन तो कर लिया है लेकिन मैं अब इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा स्पेसिफिकेशंस के लिखे हुए हैं कि 2 GB का रैम है, गोल्ड कलर में है ये फ़ोन, 16 GB जो है इसका मेमोरी है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो पहले कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं बताऊँगा इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये है फ़ोन बहुत ही प्यारा, इस डब्बे को हम लोग कर देते हैं साइड में। देखिए बहुत ही प्यारा फ़ोन लग रहा है और इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये देखिए इसके साथ क्या क्या आया देख लेते हैं। मैं इसको निकाल लेता हूँ साथ ही ऐसे करके सीधे सीधे, और ये देखिए इसके बारे में दिया हुआ है कुछ कार्ड्स, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है डिटेल्स इसमें, साथ में इसमें कुछ वारंटी कार्ड वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं बाद में। और ये फ़ोन के साथ और क्या क्या आया पहले देख लेते हैं। देखिए गोल्ड कलर का फ़ोन है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो नहीं दिया हुआ है। बाकी यहाँ से आप देखिए इसको बंद और चालू कर सकते हैं, पावर बटन है, साथ में यहाँ पे वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है स्लॉट्स जहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं सिम वगैरह या फिर जो भी है मेमोरी कार्ड वगैरह। साथ ही आपको नीचे में दिया हुआ है आपका चार्जिंग के लिए ये स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। और ये देखिए इधर से जो है इसमें पूरा फोकस के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप और इसमें ऑडियो वगैरह सुन सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैमरा दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके पहले मैं दिखा दूँ कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। तो ये फ़ोन को मैं अभी थोड़ा साइड में रख देता हूँ। देखिए ये दिया हुआ है अपने को चार्जिंग के लिए, और ये साथ में आपको ये पिन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने देख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको। ये दिया हुआ है पिन, इससे आप यूज़ करके यहाँ से आप देख लेते हैं, इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये स्लॉट जो है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपना सिम। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं अपना सिम वगैरह। तो ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें अच्छा कुछ दिया हुआ है। तो ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, इसके नीचे और दिया है मैं देख लेते हैं। ये देखिए इसके साथ साथ इसके साथ इसको लगाना होता है और ये चार्जिंग काम करेगा, नॉर्मल सा चार्जर है ये देखिए। और ये दिया हुआ है Xiaomi पावर एडाप्टर है, इसमें दिया हुआ है पार्ट वन, इसमें सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। चार्जर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप देख सकते हैं, इसमें 5 वोल्ट का दिया हुआ है, मतलब कि 1 एम्पियर का आउटपुट है। तो सारी चीज़ें दिया हुआ है, चार्जर है नॉर्मल जो MI का चार्जर आता है उसी की तरह ये चार्जर दिया हुआ है। तो अब जान लेते हैं इस फ़ोन के बारे में, इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। नज़दीक से आप देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है स्क्रीन साइज़ है इसका 5.5 इंच का, साथ ही रिजोल्यूशन दिया है इसका 720 से लेके 1280 पिक्सल का। स्टोरेज इसमें 16 GB का है, साथ ही प्रोसेसर इसका 1.4 GHz क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया हुआ है। रैम जो है इसकी 2 GB का है, साथ ही रियर कैमरा जो है 13 MP का है, और उसके साथ अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये है 5 MP का। एंड्रॉयड इसमें 7.0 का नोगट का दिया हुआ है, और बैटरी जो है 3080 का MAH का इसमें बैटरी दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 7,999 में आ जाता है, लेकिन ये MI4 के बराबर तो नहीं है, लेकिन अच्छा है ये फ़ोन। अगर आप 2 GB रैम के रेंज में अगर ये ऐसा फ़ोन चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं ये वाला फ़ोन। तो बस इसका रिव्यू यही था, आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये फ़ोन जो है आपको कैसा लगता है। मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको जो है
आप लोगों के रिव्यू करने के लिए, स्पेसिफिकेशंस के लिए लाया है और अनबॉक्सिंग भी किया है, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं कैसा होता है ये। थैंक यू सो मच। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये फ़ोन यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। तो दोस्तों बताइए आप कमेंट करके कि आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है, क्या आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, शेयर करिए। अगर ये आप लोगों को फ़ोन सजेस्ट करना है किसी दोस्त को, और लाइक तो कर ही दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करें सीखो और समझो यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री।